विटामिन सी सीरम, जिसके लिए हम मार्केट जाकर के हजारों रुपए खर्च करते हैं और एक छोटी सी बोतल लेकर के आते हैं। आज मैं आपको 10 रुपए में ये विटामिन सी सीरम घर पे बना करके दिखाने वाली हूँ और उस मार्केट वाले के रिजल्ट से इसका रिजल्ट बिल्कुल डबल होने वाला है। आप यकीन ना माने तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें, ये मेरा दावा है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन सिर्फ ब्राइट एंड टाइटन ही नहीं होगी, आपकी स्किन से दाग, मुहासे या फिर एक्ने के स्कार्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, गर्मियों में कौन सा सीरम इस्तेमाल करें अपने स्किन के लिए जो हमारे स्किन को नेचुरली ग्लोइंग दिखा सके। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज्यादा ब्राइटन है, कितनी ज्यादा ग्लोइंग है, क्योंकि इस टाइम पे मैं विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करती हूँ। आप में बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो लोग भी विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारे पैसे स्पेंड करके मार्केट से बाय करते होंगे, लगाते होंगे एंड फिर अगेन खत्म होने के बाद फिर बाय करते होंगे। विटामिन सी सीरम की काफी ज्यादा कॉस्ट है मार्केट में, फिर भी हम बाय करते हैं क्योंकि हमारे स्किन को ब्राइटन करता है, टाइटन करता है और ब्यूटीफुल करता है। बट हर चीज पॉसिबल है तो क्या विटामिन सी सीरम घर पे बनाना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल गलत। यस फ्रेंड, घर पे हम इजिली कुछ इंग्रेडिएंट को यूज करके विटामिन सी सीरम घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कम कॉस्ट में। यस फ्रेंड, आप मार्केट में चले जाइए, विटामिन सी सीरम के कॉस्ट स्टार्टिंग प्राइजेस 500, 1000, 2000 से ऐसे प्राइजेस से स्टार्टिंग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं और उसके बाद अपने स्किन को लगाते हैं। बट अगर आप घर में वो चीजें बनाए बिना विदाउट वेस्टिंग मनी तो आप बिल्कुल बना सकते हैं और अपने स्किन को ब्राइटन कर सकते हैं। यस फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने स्किन को विटामिन सी सीरम का एप्लीकेशन करें समर में स्पेशली, क्योंकि हमारे ओपन पोर्स को जो कहते हैं ना बिल्कुल क्लोज करता है, हमारे स्किन पे ब्राइटनिंग लाता है, टैन को रिमूव करता है। विटामिन सी सीरम के काफी सारे फायदे हैं, ये ब्लीच का काम करता है हमारे स्किन पे, गोरापन जो कहते हैं ना आपकी स्किन को अगर झावली पड़ गई है, काली पड़ गई है, तो विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करके आप फेयर बन सकते हैं, गोरापन आ सकता है आपके चेहरे पे, वो ग्लो आ सकता है अपने चेहरे पे। तो अगर आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करेंगे, घर पे रखी कुछ चीजों को इस्तेमाल करके आप विटामिन सी सीरम घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। और यकीन माने वो बाजार वाले जितने जो भी आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं विटामिन सी सीरम, इसके बाद इस सीरम का इस्तेमाल करेंगे तो 110% श्योर हूं कि उससे बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जब हम विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे एरियाज में उसे नहीं अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कहते हैं जहां पे लेयर कम होती है जैसे लिप, अंडर आइज एरिया, ये सारे सेंसिटिव एरिया होते हैं जहां पे विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल नहीं करते। बट घर में जो मैं आज प्रिपेयर करने वाली हूँ विटामिन सी सीरम, इसका इस्तेमाल आप हर पार्ट में कर सकते हैं और ये विद इन अ वीक आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। आपको करना है मेरे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मैं अपने चैनल पे जीरो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी DIY रेमेडी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं, तो अगर आपने नहीं देखा ना तो फटाफट से मेरे चैनल को विजिट करिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का मेन टॉपिक है हमारा विटामिन सी सीरम, हम घर पे कैसे विदाउट वेस्टिंग मनी आप घर पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए बात करते हैं। इस सीरम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है ऑरेंज। ऑरेंज में विटामिन सी का अच्छा खासा सोर्स होता है, आप सबको पता है कि लेमन, ऑरेंज ये सारी चीजों में विटामिन सी पाए जाते हैं और इसके पील में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं। तो आपको पील ऑफ कर लेना है ऑरेंज को, मैंने बहुत सारे वीडियोज में बता रखा है कि आप ऑरेंज के पील को पाउडर बेस में सुखा करके बना करके आप रख सकती हैं और फेस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, वो भी आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, क्योंकि समर में स्पेशली हम अपने स्किन को बहुत ज्यादा झावली पड़ जाती है, टैन हो जाता है। तो इस टाइम पे हमें चाहिए कि हमारे स्किन पे कुछ ऐसा जाए कि हमारे स्किन ब्राइटन हो, अंदर से ग्लोइंग दिखे। तो यहाँ पे आपको फिर रोज वाटर इसमें ऐड कर देना है। आप रोज वाटर जब ऐड करेंगे इसमें बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है, साथ ही रोज वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स है। यह हमारे स्किन पे पीएच लेवल को बैलेंस करने के साथ साथ हमारी स्किन को क्लींजिंग का काम करता है, ब्राइटन करता है। तो यहाँ पे आपको रोज वाटर ऐड कर देना है और इसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देना होगा। इसके बाद आप जितने देर उसको छोड़ रहे हैं अपने स्किन को क्लींजिंग कर लीजिए, अपने स्किन को क्लीन कर लीजिए। देन आफ्टर आपको यहाँ पे उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, सारे जो हमने वाटर ऐड किए हैं, रोज वाटर ऐड किए हैं, आपको सारे लेकर के आपको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है।
ये हमारा विटामिन सी सीरम बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस आपको देगा, साथ ही आपके स्किन पे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसका रिजल्ट विजिबल हो जाएगा विद इन अ 2 or 3 days। यस फ्रेंड, मैं सारे जितने भी पैक बताती हूँ, जितने भी DIY रेमेडी बताती हूँ, उसका 1 week आपको बोलती हूँ कि 1 week लगेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। बट ट्रस्ट मानिए, ये विटामिन सी सीरम आपको विद इन 2 or 3 days आपकी स्किन में ब्राइटनिंग, जो कहते हैं ना, आपकी स्किन ब्राइट होने लगेगी। डे बाय डे आपकी स्किन में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आने लगेंगे, ओपन पोर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इसे आप 10 डेज से 15 डेज स्टोर करके फ्रीज में बिल्कुल रख सकती हैं। फ्रीज में रखना है, रूम टेम्परेचर में ये बहुत जल्दी खराब हो सकता है, तो आपको फ्रीज में रखना है। और उसके बाद अपने स्किन को क्लीन करने के बाद आपको मॉर्निंग में, डे टाइम में, नाइट टाइम में, जब भी आप कंफर्टेबल है, इसका एप्लीकेशन कर सकती हैं। ये आपकी स्किन को ना बहुत ज्यादा बेटर ऑफ करता है। यकीन माने, आप जो सीरम इस्तेमाल कर रही हैं मार्केट से, बिल्कुल उसे इस्तेमाल करें, और इसके बाद इसे इस्तेमाल करें, आपको अपना खुद का रिजल्ट पता चलेगा। देखिए, मैं बस बता रही हूं, पर करना आपके ऊपर है। आप करिए तो पहले से ही, तब तो आपको रिजल्ट पता चलेगा ना। आप बिना किए कैसे किसी को जज कर सकते हैं, किसी चीजों को कैसे जज कर सकते हैं। तो अपना, जैसे आप ना ऑरेंजेस, आप फ्रूट्स लेते हैं समर में, तो उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सीरम प्रिपेयर करें। आप ऑरेंज इजिली मार्केट में अवेलेबल है, ऑरेंजेस का बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है, तो आप जाकर के ले सकती हैं। एक ऑरेंज बस आपको लेना है, उसके पील ऑफ करके और ये सीरम को प्रिपेयर करना है। अपना हॉनेस्ट रिव्यू जरूर शेयर करिए। जब आप इसे लगाइएगा ना, तो आपकी स्किन से जितने भी एक्ने के स्कार्स है ना, वो भी हटने लगेंगे। साथ ही आपकी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम भी आपको धीरे धीरे कम दिखेगी। अगर कहीं पे भी स्पॉट्स रह गया है, जो अनवांटेड होते हैं, जो हमारे स्किन पे ऐसे ही आ जाते हैं, अनवांटेड मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, कहीं कहीं पे स्पॉट्स आ जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, जो बिल्कुल स्किन पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और हम उसके लिए परेशान होते रहते हैं। यकीन मानिए, सीरम से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और अगर आपका जो भी हॉनेस्ट रिव्यू रहे, मेरे चैनल पे आके जरूर कमेंट करें, आप कमेंट जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता ही है, और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और इस सीरम को प्रिपेयर करने के बाद अपना हॉनेस्ट रिव्यू आके नीचे मुझे जरूर शेयर करिएगा। जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में उसे जरूर शेयर करूंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखें। बाय।